हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। और हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ही नहीं, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे भी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। What floats and what sinks? Aisha was waiting for her dinner. Today, Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha besabri se apne dinner ka intezar kar rahi thi. Mummy uska favorite khana, puri aur alu ki sabzi bana rahi thi. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. Aisha dekh rahi thi ki mummy kaise puriya bel rahi hai aur un garam tel mein dal rahi hai. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. Pehle to usne dekha ki puri tel ke niche doob gayi. But as it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. Lekin jaise hi puri phool gayi, puffed up matlab phool gayi, the puri upar aa gayi aur upar aakar tairne lagi tel ke upar. One puri did not puff at all and did not float like others. Ek puri to utni zyada nahi phooli aur dusron ki tarah tel ke upar nahi tairi. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. तो आयशा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट करूं। शी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर। आयशा ने भी एक पूरी को पानी से भरे हुए एक बाउल में डाला। आल्स इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। लेकिन कच्चे आटे की लोई तो पानी के अंदर डूब ही जाती है। थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड। अभी सोचिए कि क्या हुआ होगा अगर आयशा हैड पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर। अगर आयशा ने एक फूली हुई पूरी को पानी के बाउल में डाला होता तो क्या होता? वो तैरने लगती। यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट? व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून? इट विल सिंक। वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर? वो तैरेगी। सो व्हाट डिड यू फाइंड आउट? पफ्ड पूरी विल फ्लोट, स्टील प्लेट विल फ्लोट बट द स्पून विल सिंक, प्लास्टिक कैप ऑफ द बॉटल विल ऑल्सो फ्लोट। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। आयशा शाम को नहाने गई। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन। आयशा जैसे ही नहा के बाहर आई, मम्मी ने बोला, आयशा तुमने फिर से पानी के अंदर साबुन डाल दिया है, उसको निकालो और सोप केस में डालो। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड अगेन बट इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट। क्या आपने भी कभी ऐसी कोई चीज़ देखी है? कुछ चीज़ें तो हमेशा तैरती रहती है लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा डूब जाती है। चलिए पता करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अ वुडन बोट इन द वाटर विल फ्लोट। पानी में लकड़ी से बनी हुई नाव तैरती है। बट अ नीडल विल सिंक। लेकिन एक छोटी सी सुई डूब जाती है। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? लेट मी थिंक। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट। एक भारी भरकम शिप तैरती है। But a needle, light as leaf, thin as a pin, will sink right in. लेकिन एक छोटी सी सुई जो पत्ते की तरह पतली होती है, पिन की तरह छोटी होती है, लेकिन डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? This happens because of buoyancy force. इसका कारण है buoyancy force. चलिए जानते हैं buoyancy force के बारे में और ज़्यादा। मान लीजिए मैंने ऊपर से एक बॉल को फेंका, तो वो बॉल कहाँ आके गिरेगी? जाहिर सी बात है, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगी। क्या होगा अगर मैं बॉल को पानी में डालूं? तब भी बॉल नीचे की तरफ ही जाना चाहेगी। लेकिन पानी के अंदर भी एक अपना एक फोर्स होता है जो पानी में गिरने वाली हर चीज़ को ऊपर की तरफ धक्का देती है। इसे कहते हैं बॉयंट फोर्स। बायोएंसी इज द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाई अ लिक्विड टू अपोज द वेट ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। बायोएंट फोर्स वो फोर्स होता है जो पानी में गिरने वाले किसी भी सामान को ऊपर की तरफ धक्का देती है, उसे कहते हैं बॉयंसी। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ पानी में डूबेगी या फिर तैरेगी? जब भी पानी में कोई चीज़ गिरती है, पानी को उस चीज़ को जगह देनी पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट जितना पानी उस जगह से हट के साइड में आ जाता है। इस हटे हुए पानी को हम कहते हैं displaced water या फिर अपनी जगह से हटा हुआ पानी। Now, when the weight of the object is more than the weight of the displaced water, the object will always sink। मतलब जब भी किसी सामान का भार उसके द्वारा हटाए हुए पानी के भार से ज़्यादा होता है, ऐसी अवस्था में
वो सामान डूब जाती है, जबकि किसी ऑब्जेक्ट का भार, किसी भी सामान का भार अगर उसके द्वारा हटाए हुए पानी से कम होता है, उस अवस्था में वो सामान तैरती रहती है, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द बॉयंट फोर्स द ऑब्जेक्ट विल सिंक। जब भार ज़्यादा होता है और बॉयंट फोर्स कम होता है तब वो सामान डूब जाता है। एंड व्हेन बॉयंट फोर्स इज मोर देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। जब बायोएंट फोर्स ज़्यादा होता है और भार कम होता है तब वो सामान तैरता रहता है। लेकिन शिप तो बहुत भारी होता है, उसका वेट तो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर शिप क्यों नहीं डूबता? चलिए जानते हैं उसके बारे में कुछ और। शिप जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये शिप आधा डूबा हुआ है। ये जो ऑरेंज कलर का हिस्सा है ये है डिस्प्लेस्ड वाटर। शिप इतना बड़ा है कि उसने अपने भार से भी ज़्यादा भारी पानी को अपने जगह से हटा दिया है। अगर मैं इस ऑरेंज कलर के शेप में फैला हुआ पानी का वेट करूं, तो वो वेट इस शिप के वेट से ज़्यादा होगा और इसी कारण से ये शिप तैर रही है। अगर इस शिप का भार इस डिस्प्लेस्ड वाटर के भार से ज़्यादा हो जाएगा तब ये शिप डूब जाएगी। तो फिर ये छोटी सी पिन क्यों डूब गई? क्योंकि इस छोटी सी पिन बहुत ही थोड़ा सा पानी ही अपनी जगह से डिस्प्लेस किया है और उस थोड़े से अमाउंट का पानी नेल के भार से कम था। इस नेल का भार ज़्यादा था उस डिस्प्लेस्ड वाटर के भार से, इसीलिए ये नेल डूब गई। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे इस शिप का एरिया बहुत बड़ा है तो उसने बहुत सारा वाटर को डिस्प्लेस किया और उस बहुत सारे डिस्प्लेस्ड वाटर का भार इस शिप के भार से बहुत ज़्यादा था। व्हेन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर बॉयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल बी मोर एंड द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। हैवी शिप फ्लोट्स एंड नीडल सिंक्स बिकॉज द एरिया ऑफ द नीडल इज स्मॉल एंड वेट ऑफ द नीडल इज मोर देन द बायोएंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके ही देख लेते हैं। खाली कटोरी तैर रही थी। आफ्टर पुटिंग 6-7 स्मॉल पेबल्स, मैंने सोचा था पत्थर डालने के बाद डूब जाएगी, लेकिन तब भी तैर रही थी। आयरन नेल और पिन वो तो डूब गई। मैच स्टिक भी तैरने लगी थी। प्लास्टिक बॉटल विथ इट्स लिड वो भी तैर रही थी। बॉटल हाफ फिल करने के बाद भी तैर रही थी और बॉटल को फुल फिल करने के बाद वो डूब गई। एल्यूमिनियम फॉयल जब वो स्प्रेड आउट हो रखा था तब वो तैर रहा था, जब उसको हमने प्रेस किया टाइटली तब वो डूब गया, लेकिन जब उसको फिर से कप शेप में बना के छोड़ा तो वो तैरने लगा। सोप केक डूब गया और सोप केक को जब प्लास्टिक प्लेट में रखा तब वो तैरने लगा, और उसी तरह बर्फ़ का टुकड़ा भी तैर रहा था। द आयरन नेल सैंक इन द वॉटर बट द कटोरी फ्लोटेड। दिस हैपेंड बिकॉज द आयरन नेल डिस्प्लेस्ड लेस वाटर एंड कटोरी डिस्प्लेस्ड मोर वाटर। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोटेड ऑन वाटर। द वाटर बॉटल फिल्ड विथ वाटर सैंक बिकॉज वेट ऑफ फिल्ड वाटर बॉटल वॉज मोर देन द डिस्प्लेस्ड वाटर बाई इट। द एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड वेन इट वॉज स्प्रेड आउट।
When it was pressed tightly into a ball, it sank. This happened because spread out foil displaced more water compared to its weight. Is it magic? जब आयशा सुबह को नींद से उठी, मम्मी को थोड़ा बुखार हो रखा था। पापा ने अपने लिए चाय बनाई और मम्मी को मेडिसिन देने गए। तब उन्होंने आयशा को बोला कि कुछ अंडे को उबाल के रखो और उबालने के समय थोड़ा सा नमक भी डालना पानी में। लेकिन गलती से उसने बहुत सारा नमक डाल दिया। लेकिन ऐसा करते ही क्या हुआ? दोनों अंडे ऊपर में आके तैरने लगे। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि नींबू तैरने लगी थी? क्योंकि पानी में नमक डालने के बाद पानी घना हो जाता है, the water becomes thick and thus the lemon started floating. वैसे ही एक तरीके का समुंदर होता है जिसे कहते हैं डेड सी। इस समुंदर में दुनिया के सारे समुंदर में से सबसे ज्यादा खारा पानी पाया जाता है और ये पानी इतना खारा है जैसे कि आप 1 लीटर पानी में 300 ग्राम जितना नमक डालेंगे तो उतना खारापन बनेगा। इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम शी वुड नॉट ड्राउन इन दिस सी शी विल फ्लोट। और जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट में नींबू नमक वाले पानी में तैरने लगी थी, अगर डेड सी में भी आप चले जाए तो आप डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे। भले ही आपको स्विमिंग नहीं आती हो तो भी आप तैरते रहेंगे, क्योंकि ये पानी इतना खारा है, इतना घना है कि इतने घने पानी में कोई भी इंसान डूबता नहीं है। डेड सी का लोकेशन क्या है, कहाँ है? तो यहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो हमारे जाने पहचाने कंट्री है। वैसे ही ईरान, सऊदी अरेबिया और ये है अफ्रीका के देश। इस एरिया में हमें मिलता है डेड सी, जिसे आप गूगल मैप में भी देख सकते हैं। बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल देयर इज डेड सी। व्हाट डिसॉल्व एंड व्हाट नॉट, चलिए देख लेते हैं पानी में क्या घुलता है और क्या नहीं घुलता। ऑन संडे आयशाज कजन ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले। संडे को आयशा का कजन ब्रदर खेलने के लिए आया। जैसे ही वो आया, उसने अपनी आंटी को बोला कि आप मेरे लिए शक्कर पारे बनाइए। आंटी ने कहा कि मैं तो अभी मार्केट जा रही हूँ, घर में वापस आने के बाद बनाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मेरी ये कुछ मदद कर दो। 2 ग्लास पानी में 1 कटोरी चीनी को मिक्स करो। हामिद ने सोचा कि ठीक है, मैं इस काम को जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर मैं टीवी देखूंगा। सजेस्ट सम वेज फॉर हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर। पानी में चीनी को एकदम जल्दी जल्दी घोलने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास 3 उपाय है। एक तो आप चीनी को बहुत जोर जोर से मिक्स कीजिए, चम्मच से हिलाइए। दूसरा है आप पानी को गर्म कीजिए। और तीसरा है चीनी को एक पाउडर में ग्राइंड कर लीजिए, तो उससे चीनी बहुत जल्दी घुल जाएगी। डू दिस एक्सपेरिमेंट, चलिए कर लेते हैं एक और एक्सपेरिमेंट। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखा? नमक एकदम अच्छे से मिक्स हो गया था, मिट्टी मिक्स नहीं हुई थी और कुछ समय रखने के बाद वो नीचे सेटल हो गया। वाटर बिकेम मडी एंड द सॉयल सेटल डाउन।
चॉक पाउडर भी मिक्स नहीं हुआ था ठीक से और वो भी सेटल डाउन हो गया था। एक चम्मच दूध तो हमेशा पानी में मिल जाता है, तेल मिक्स नहीं हुआ था और पानी के ऊपर तैरने लगा था। टेल, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर? इफ नो, व्हाई? क्या पानी में नमक को मिक्स करने के बाद आपको वो दिखाई दे रहा था? अगर नहीं तो ऐसा क्यों? सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिजॉल्व्स इन वाटर। और जब कोई भी चीज़ पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है उसे हम कहते हैं सोल्यूबल। अगर कोई चीज़ पानी में सोल्यूबल है, उसको पानी में मिक्स करने के बाद हमें उस चीज़ का एक भी अंश दिखाई नहीं देता। डज दैट मीन दैट नाउ वाटर डज नॉट हैव सॉइल? क्या इसका ये मतलब है कि पानी में अब नमक है ही नहीं क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा? इफ़ इट हैज़ देन वेयर इज़ द सॉल्ट? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि पानी में नमक नहीं है। पानी में नमक एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, डिजॉल्व हो गया है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। वॉट डिफरेंस डिड यू सी इन द वॉटर विथ सॉल्ट एंड द वॉटर विथ चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग सो फॉर सम टाइम? सॉल्ट मिक्सड कम्प्लीटली विथ वॉटर वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम। विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वॉटर बाई स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर? वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वॉटर बाई स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ। जैसे हम चाय पत्ती को छानते हैं, वैसे ही जो भी सामान नीचे सेटल हो गया है जैसे चॉक पाउडर के हिस्से, उसे हम छान के पानी से अलग कर सकते हैं। Where did the water go? एक दिन आयशा की मम्मी ने चाय बनाने के लिए पतीले में कुछ पानी रखा, लेकिन घर के काम में बिजी हो जाने के बाद वो पानी के बारे में भूल ही गई। अचानक जब उन्हें ख्याल आया और उन्होंने वापस आके चेक किया तो उन्होंने देखा कि पतीले में बहुत कम पानी रह गया है। वेरी लिटिल वाटर वॉज लेफ्ट इन द पैन। थिंक वेयर डिड द वाटर गो? सारा पानी कहाँ चला गया होगा? पूरा पानी सूख गया था। द वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न्ड इनटू वेपर। जब भी पानी गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलता है, धुआं निकलता है। द वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस फॉर्म। आपके पिछले चैप्टर में चित्ता बाबू और चिन्ना बाबू ने आम पापड़ बनाने के टाइम पे मैंगो जेली को सूरज की रोशनी में क्यों सुखाया था? दे केप्ट देयर मैंगो जेली इन द सन सो दैट द वाटर फ्रॉम द जेली कुड इवेपोरेट। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन? जैसे हमारे घर में भी पापड़, अचार, बढ़िया, साबुदाना पापड़, पोटैटो चिप्स, इन सब चीजों को हम धूप में सुखाकर बनाते हैं। डांडी मार्च। पानी को इवेपोरेट करके नमक बनाने का सिलसिला भी गांधी जी ने शुरू किया था। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस। उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और ब्रिटिश लोगों के राज में ये कानून था कि इंडिया वाले नमक को नहीं बना सकते और उन्हें नमक खरीद के खाना पड़ता था जो बहुत महंगा बिकता था। तब गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने डांडी यात्रा की और गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन ए यात्रा फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी शीशोर इन गुजरात प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ ऑफ द ब्रिटिश। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना चैप्टर। वर्कबुक सॉल्यूशंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।